हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आज है दिन मंडे और अभी जो टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 हो रहा है। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माई अर्ली मॉर्निंग रूटीन एंड अर्ली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। कैसे मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ रोज मॉर्निंग में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी देखिए इधर मेरा काम स्टार्ट हो गया है, तो मैं जो काम पहले कर रही हूँ वो कल का ये कपड़ा था, अभी मैं भिगो के रख रही हूँ और ये नहाने के टाइम में मैं धो लूँगी। और ये जब तक हमारा भीग रहा है तो वो बाकी घर का जो काम है मैं कंप्लीट कर लूँगी। और इधर देखिए कपड़े भिगोने के बाद मैं झाड़ू लेने आ गई हूँ और पूरी घर पर मैं अभी झाड़ू लगाऊँगी। पहले बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मेरा जो दूसरा बेडरूम है वही झाड़ू लगा लूँगी। किचन पर झाड़ू लगाना है और लिविंग रूम पर भी झाड़ू लगा के उसके बाद पूरी घर पर मुझे पोछा भी लगाना है। और बाबू और उसके पापा अभी तक सो रहा है, तो उन लोगों के उड़ने से पहले मैं जल्दी जल्दी ये क्लीनिंग का काम कर लूँगी, नहीं तो बाबू उड़ जाएगा और मेरा कुछ काम भी नहीं होगा और वो मेरा पीछे पीछे घूमेगा। आप लोग कल के वीडियो में देखा ही होगा कैसा बदमाशी कर रहा था वो। और आज ना मुझे जल्दी जल्दी खाना भी पकाना है, तो 8 बजे से पहले मुझे लंच रेडी करना है। हस्बैंड का जनरल शिफ्ट ड्यूटी है 8 से 5 तक, तो वो खाना लेके साथ में चला जाएगा। तो सुबह सुबह मैं ये काम कंप्लीट करके जल्दी जल्दी खाना भी पका लेती हूँ। तो चलिए झाड़ू लगाने के बाद पहले पूरी घर पे पोछा लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। हे गाइस, तो झाड़ू लगाना हमारा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ, पोछा लगाना है मुझे। तो पहले मैं बकेट पे पानी ले लेती हूँ और उसके बाद देखिए ये मैं एक ढक्कन लाइजल दे रही हूँ। मैं डेली जब हाउस क्लीन करती हूँ मैं ये लाइजल यूज़ करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मॉप लेने, क्योंकि बाबू की वजह से मैं ये घर पर छुपा के रखती हूँ, नहीं तो पूरा दिन घर पर पोछा ही लगाएगा। मेरा जो भी काम मतलब वो मुझे करने देखेगा वही वो करेगा। हे गाइस, तो झाड़ू पोछा लगाना हमारा हो गया है पूरी घर पे और अभी मैं आ गई हूँ किचन पे। और ये देखिए मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं गैस ओवन को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कल रात को मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है, नहीं तो एक बार पोछा लगा लेती तो हो जाता। और डेली मैं किचन को क्लीन करती हूँ, सोने से पहले मैं करती हूँ और सुबह उठ के भी एक बार किचन को क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए गैस ओवन मेरा क्लीन हो गया है। और उसके बाद इतने सारे बर्तन आप लोग देख रहे हो सिंक पे, तो इतने सारे बर्तन मुझे धोना है और उसके बाद मैं खाना पकाऊंगी। और किचन जब तक क्लीन नहीं रहेगा तब तक खाना पकाने का बिल्कुल ही मन नहीं होगा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसे क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद ही खाना पकाऊंगी। और अभी मैं ये करने के बाद चाय भी बिठाऊंगी क्योंकि हस्बैंड अभी उठ गया है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है, तो वो पहले चाय पिएगा और उसके बाद नहाने जाएगा। तो जल्दी जल्दी ये मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद चाय बिठा देती हूँ और राइस भी बना लेती हूँ, क्योंकि राइस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए जब मैं चाय चढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ राइस भी बना लेती हूँ, नहीं तो राइस बनाने में लेट हो जाता है। तो चलिए ये बर्तन क्लीन करने के बाद पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद चाय पी लेती हूँ और फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। Oh, 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 oh
मेरा और हस्बैंड दोनों का चाय पीना हो गया है और बेटू अभी तक सो रहा है। तो देखिए मैं फिर आ गई हूँ किचन पे और राइस तो मेरा पहले ही हो रहा था और इधर बना रही हूँ मैं ऑमलेट। आज मैं ऑमलेट करी बनाऊँगी, ऑमलेट करी और राइस, यही है हमारा आज का लंच। और ये देखिए आलू मैं पहले से कट करके रखी थी और अभी मैं ऑनियन कट कर रही हूँ और उसके बाद टमाटो और चिली कट कर लूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा रेडी है, क्योंकि जब भी मुझे सुबह खाना पकाना होता है जल्दी जल्दी मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ, नहीं तो सुबह उठ के बहुत ही जल्दबाजी होता है, इसीलिए मैं इसका जो मसाला है वो रेडी करके रख देती हूँ, तो मुझे बहुत ही आसान होते हैं काम करने में सुबह सुबह। तो ये देखिए वेजिटेबल्स हमारा कट करना हो गया है और अभी देखिए ऑमलेट भी बन गया है, तो मैं इसे छोटा छोटा पीसेस में काट लूँगी और आप लोगों को जितना साइज चाहिए वो काट लेना। वैसे आप लोगों का जो मर्जी, ऑमलेट को छोटा छोटा पीसेस में भी काट सकते हो और बिग साइज में भी काट सकते हो। और ये देखिए मैं ऑमलेट करी बनाने के लिए पहले आलू को फ्राई करके रखी हूँ, आलू के साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करके फ्राई की हूँ और अभी देखिए वही ऑयल पे मैं दे रही हूँ ऑनियन, और ऑनियन जब हमारा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो मैं इस पर ऐड करूँगी टमाटो। और इधर देखिए राइस हमारा हो गया है तो मैं एक साइड पर रख देती हूँ। और ये देखिए अभी ऑनियन जब तक हमारा हो रहा है मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट में मैं वैसे कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ ब्रेड है और उसके साथ बनाना, वही है आज का हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड का भी नहाना हो गया है तो इधर जब तक हो रहा है तो उसके लिए ब्रेड मैं सेक देती हूँ। और अभी देखिए ऑनियन और टोमेटो अच्छे से गल जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं कल ही रेडी करके रखी थी वो मैं आप लोगों को बताई हूँ। और अभी देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और उसके साथ कश्मीरी मिर्च, ये पानी के साथ मतलब मिक्स करके देते तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और बट आज हमारे पास टाइम नहीं था इसीलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट कढ़ाई पर डाल दी हूँ। आप लोग जब बनाइएगा ज़रूर इस ये मसाला को पानी में मिक्स करके फेंट देना है, इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। तो इधर देखिए ब्रेड हमारा हो गया है और अभी मैं जाऊंगी हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने, तो उससे पहले मसाला हमारा बन के रेडी है तो आलू के साथ मैं अच्छे से इसे पकाऊंगी और उसके बाद पानी ऐड कर रही हूँ। और इधर देखिए आलू हमारा बॉयल्ड हो गया है तो जो ऑमलेट मैं बना के रखी थी वो ऐड कर रही हूँ और मैं गरम मसाला भी मिक्स किए थे थोड़ा सा और मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बना है। गाइस तो हमारा किचन का काम कंप्लीट हो गया है और अभी देखिए मास्क पहन के मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाजार। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने फिश नहीं खाया है, जब से घर से आया मतलब 4-5 दिन हो गया। तो कल हस्बैंड बोल रहा था कि थोड़ा सा बाजार जाके फिश ले आना, तो अभी मैं जा रही हूँ। बाबू अभी सो रहा है, अभी जो टाइम हो रहा है 8:30 हो गया है, तो चलिए आप लोगों को भी साथ में मैं लेके चलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिश लेने और हस्बैंड के साथ ही मैं आ गई थी, वो मुझे छोड़ के ड्यूटी चला गया है, तो अभी फिश हमारा लेना हो गया है और मैं घर जा रही हूँ। और ये देखिए कैमरा उल्टा हो गया था, तो ये देखिए ये दोनों टाइप फिश मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए ये छोटा फिश लेके आई हूँ मैं, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं चारा पोना। और इधर देखिए ये प्रॉन में जो हम लोग बोलते हैं चिंगड़ी, वो लेके आई हूँ मैं, ये काल लौकी के साथ बनाऊंगी, हम लोग जिसे बोलते हैं लाव चिंगड़ी, बहुत ही खाने में यम्मी रहता है, तो वो रेसिपी मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज तो हमारा खाना बन गया है तो आज तो और कुछ नहीं बनाना है, आज तो आप लोगों को पता ही है हमारा लंच राइस है और उसके साथ ऑमलेट करी है, तो ये पहले मैं क्लीन करके फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। हे गाइस तो अभी जो टाइम हो रहा है 12:30 हो गया है और मेरा नहाना हो गया है, बाबू का भी नहाना हो गया है और बाबू अभी विंडो पे बैठ के खेल रहा था और मैं ये कपड़ा था जो कल का था मैं फोल्ड कर रही थी, आज सूख गया है। और अभी हम लोगों का खाना नहीं हुआ है तो हम दोनों खा लेंगे। और खाना खाने के बाद ना एक काम मुझे करना है, वो बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन नहीं हो रहा था।
हे गाइस, तो हमारा खाना हो गया है और बाबू अभी बैठ के टीवी देख रहा था। मैं ये काम करने के लिए आ गई हूँ। अब लोग सोच रहे होंगे ये कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो लाइट्स मैं लगाई थी ना दिवाली के टाइम में, वही मैं खोल कर रख रही हूँ, क्योंकि त्यौहार वगैरह सब तो ख़त्म हो गया है और इस साल तो ये कोई काम नहीं आएगा, तो अगले साल ये ज़रूरत पड़ेगा। मैं इसे रख रही हूँ और अभी मैं देख रही थी कि आज अपराजिता में एक भी फ्लावर नहीं हुआ, कल बहुत सारे फ्लावर हुआ था। मैं कितने मन से भगवान को दिया था, आप लोगों को मैं दिखाई थी और आप लोग देख सकते हो ना बाहर कितना धूप है। और एक भी नया वाला पम्पकिन हुआ है, नया पम्पकिन हुआ है वो कल जो दिखाई थी, और एक छोटू सा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।